think the hunt in the hunt in the hunt in the आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे मंच पर मौजूद सूची पहले पढ़ दी गई सभी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए चौहान समाज और सभी समाज के सम्मानित नेता, मंच पे मौजूद संजय चौहान जी, राजा राम चौहान जी, विधायक आर के वर्मा जी, लल्लू यादव जी, चौधरी साहब प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी सामने उपस्थित हमारे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज मैं सबसे पहले आपके सामने कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के कोने कोने से बहुत बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पे, किसी को लखनऊ के बाहर रोका गया, किसी को लखनऊ के अंदर रोका गया, इस चौराहे को रोका गया, गेट के बाहर पूरी सभी लोग आने नहीं दिया गया। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के सभी पिछड़े समाज के तमाम, मेरे समाज के तो कोई बचा ही नहीं किसी दल में है, सारे पिछड़े समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग भारी संख्या में आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ में अपनी बात को समेट के रखना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में, जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है, उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, जिस तरीके से इस प्रदेश का पूरा पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने आज जो सड़कों पे घूम रहा है नौजवानों पर रोजगार पाने के लिए पूरी तरीके से समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरीके से किसान अपनी लहलाती फसल के लिए समर्थन दिया था, आज रात में जाड़े की रात में जिसे अपने घर में सोना चाहिए, आज जानवरों से रखवाली करने के लिए अपने खेत पे सो रहा है चारपाई लगा करके, कितनी पीड़ा होती होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज पूरी तरीके से, आज जिस तरीके से पिछड़े समाज के, जिस तरीके से टीचर भर्ती ने आपने देखा, कई महीनों से जाड़ा बरसात गर्मी में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, जिनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही है। एक नहीं 28 संगठनों के लोग आज जाके देख लिए इको पार्क में, आज कई महीनों से अपनी मांग को लेकर के जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है। मैं तो कहना चाहता हूं, पूरी तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। और मैं तो कहता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का चरणबद्ध तरीके से मतदान करने का जो समय निर्धारित है,
मैं तो कहता पूरे प्रदेश के लोग, सभी लोग, पिछड़ा, दलित, तगड़ा, हर समाज के लोग, नौजवान, किसान, अगर आज बस चल जाए इलेक्शन कमीशन कर दे आज मोहर लगाने के लिए, तो कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भारी मोर्चे बनाने का काम करेगा। तो सोच है, मैं तो कहता हूँ कि साथियों, जिस तरीके से हमको लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्या करते रहे, साथियों 5 साल तक इंतजार हम लोग करते रहे, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, बड़ी धैर्य रखते हैं, बड़ा भरोसा करते हैं, लेकिन जब भरोसे की बुनियाद उनकी हिलने लगी, भरोसे की बुनियाद जब उनके जगमगाने लगी, जब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लगा, जब आरक्षण से छेड़छाड़ करने की साजिश होने लगी, जब पूरे प्रदेश के कोने से त्राह त्राह मचने लगा, तब हम जब हमने देखा कि पूरी तरीके से जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है, बड़े पैमाने पर दलित समाज जिनको समर्थन दिया था उनके साथ अनदेखी हो रही है, पूरी तरीके से बाबा साहब ने संविधान का जो दस्तावेज दिया था, जिसे हमें हक और अधिकार से जीवन जीने का हक दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जब साजिश हो रही थी, तब हमने निर्णय लिया कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से प्रदेश में गरीबों की सरकार बनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, केवल पिछड़े दलित, नौजवान और किसान ही नहीं, ब्राह्मण भी बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है, बंटवारा का मैं तो केवल 85-15 नहीं, हम तो 100 के 100 बात कहते हैं, और पूरी तरीके से अभी तो 15 की बात हो रही है, जिससे बंटवारा हमारा है, 85 तो है। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ साथियों, कि जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जिस तरीके से इनका मिलने जुलने का जो इनका विजन है, साथ में कहना चाहता हूँ इस उम्र में जिस तरीके से विजन के रूप में दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को जो विकास का काम किया, आज उस रोल मॉडल को लोग आज देश के कोने कोने में सारे प्रदेश के लोग एडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा विजनरी नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई इसलिए देना चाहता हूँ, जिस दिन पार्लियामेंट में इस देश की सबसे बड़े प्रदेश, सबसे बड़ा देश का सूबा है, जिसमें आधे से ज्यादा आबादी पिछड़ों की है, लेकिन साथियों आज उनकी गिनती नहीं हो रही, मैं बधाई इस नाते देना चाहता हूँ, जिन्हें माननीय अखिलेश यादव जी, जिसको पूरे देश का पिछड़ा समाज सुन रहा था ध्यान से, उसी दिन लोगों ने मन बना लिया, जब आपने कहा था कि पिछड़े समाज की इतनी बड़ी संख्या, जिनकी संख्या गिनती नहीं हो रही, जनगणना की बात कई सालों से हो रही है, और आपने कहा कि यहाँ पेड़ की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़े समाज के, गरीब समाज के लोगों की गिनती नहीं हुई। क्या ये जानवर से गिनती है जो पिछड़ा समाज है? आपने जो भरोसा दिलाया कि आने वाले दिन में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अपने संसाधन से प्रदेश में इस पिछड़े समाज की गिनती करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के लिहाज से हम सरकार चलाने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी, आप उत्तर प्रदेश के, पूरे प्रदेश का हमारे मीडिया के साथी जानते हैं, और बहुत लोग छटपटा रहे हैं आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने बैन लगा दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सारे समाज के लोग पूरी तरीके से मन बना लिए हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, केवल सरकार बदलने के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलेगी, आने वाले भारत के भविष्य के रूप में माननीय अखिलेश की तरफ लोगों को निगाहें लगी हुई है, क्योंकि जानते हैं देश में ऐसा ही नौजवान जिसका वजन है, इस प्रदेश ने इस मुल्क की सियासत को बदलने के लिए, इस प्रदेश और देश की विकास और विरासत को बचाने के लिए। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूँ जिस तरीके से, मैं उदाहरण लेना चाहता हूँ, आप लोग अच्छा मत लीजिएगा, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की ताकत को कमजोर करने की साजिश और घेरने की, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने एक रथ लेके चलने लगे विजय यात्रा, तो जिस तरीके से अभिमन्यु को घेरने के लिए पूरी कौरव की सेना लगी थी, जब एक रथ लेके चले तो 6 फाटक पे 6 गेट पे 6 रथ चलने लगे दूसरे दल के कौरव की सेना। मैं तो कहता हूँ जब 6 रथ
चलने लगी छाव और सारे फाटक तोड़ करके माननीय अखिलेश जी सातवें फाटक पे पहुंच गए हैं और प्रदेश की जनता इंतजार करिए वो सातवां फाटक तोड़ करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठा करके इस देश के भाग्य का फैसला करने का संकल्प ले लिया है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो देश की सियासत को प्रदेश में बदल ले। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनने से कोई रोक पाएगा। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है जिनके साथ सदियों से खिलवाड़ होता आया है जिनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है आज जिस तरीके से नौजवान जो पिछड़े समाज के लोग हैं मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के लोग आप लोग भी मीडिया के साथ ही जानते हैं जिस तरीके से कैबिनेट में चर्चा हो रही थी ये पिछड़े समाज के लड़के जो आईटीआई पॉलिटेक्निक बीएड बीटीसी इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं सारे लोगों को स्कॉलरशिप तो मिलती है लेकिन पिछड़े समाज के लोगों को छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उनकी स्कॉलरशिप को पूरी तरीके से बंद करके आने वाले दिन में इस शिक्षा से वंचित करने की जो साजिश हो रही है आज नौजवान और छात्र खड़ा हो गया है चाहे किसी समाज का हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों आने वाले दिन में माननीय अखिलेश जी के माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तमाम लोग साजिश कर रहे हैं मैं कहना चाहता हूँ ये मेरा क्यों पार्टी में आना नहीं ये तो मेरा पुराना घर है। हम पुराने घर में रह करके जिस तरीके से कहते थे धरती पुत्र मुलायम सिंह को जिसने कभी झुकना सीखा उसका नाम मुलायम सिंह है उसी मुलायम सिंह की विरासत की बुनियाद पर खड़े होकर के जो नए विजन के साथ उत्तर प्रदेश और देश की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके साथ मिलकर के है हम उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल करके भारी बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा 400 सीट का शायद गफलत मत रहिएगा जिस तरीके से मैंने कहा 85 तो पूरा का पूरा है ही 15 में बंटवारा है और आने वाले दिन में सारे लोग इस विजनरी नेता के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलना चाहते हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी को चूंकि समय की कमी के नाते मैं अपनी बात को समेटते हुए माननीय अध्यक्ष जी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी आने वाले दिन में जहां भी जिम्मेदारी देंगे केवल चौहान समाज नहीं सारे पिछड़े समाज के लोग सारे पिछड़े के समाज के लोग लामबंद होकर के सारे दलित समाज के लोग सारे नौजवान जो अपने रोजगार के लिए सड़कों पे घूम रहा है आज लाठी खा रहा है वो सारे किसान जो जा रहे कर या रात में जिन्हें अपने घर में रहना चाहिए चारपाई लेके फसल के रखवाली जानवर से करा सारे लोग लामबंद हो गए हैं और आने वाले दिन में दुनिया की कोई ताकत नहीं है चाहे विरोधी कितनी भी साजिश कर ले। मैं कहता हूँ ये तूफान जो उठा उत्तर प्रदेश में ये तूफान को रोकने वाला नहीं है ये तूफान सुनामी बन करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो बदलाव चाह रहा है सरकार बनाने का आने वाले दिन में देश में बदलने का संकेत देने जा रहा है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ पुनः आप तमाम साथियों का बहुत सारे लोगों को बाहर रोक दिया गया लखनऊ के बाहर मैं कहना चाहता हूँ आज पूरे प्रदेश में ये संदेश जा रहा है कि जिस तरीके से पिछड़े दलित नौजवान किसान साथ मिलकर के अपने विजनरी नेता नए विजन के साथ जो उत्तर प्रदेश की सियासत का के ले जाना चाहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिस्सेदारी के तहत मैं दिल से कहना चाहता हूँ एक कहने के बाद आज सारे नेता जो माननीय अखिलेश यादव जी को नजदीक से एक बार ही मिले होंगे उनके मिजाज को समझते होंगे उनकी विजन को समझते होंगे सारे लोग तड़फड़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी जल्दी सरकार बना करके नए प्रदेश की सरकार नए तरीके से किस तरीके से विकास करेंगे और देश में नए बदलाव के संकेत देने वाले हैं। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं पुनः आप तमाम साथियों का जो मेरी बात पूरे प्रदेश के कोने कोने सुन रहे हैं सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता जो बड़े पैमाने पर हजारों हजार की संख्या में आज सड़कों पे समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए घूम रहे हैं सारे लोगों को बाहर और सबसे बड़ा जो अधिकारी लोग हैं मैं कहना चाहता हूं वह दिन दूर नहीं अब है जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं सरकारी जो मुलाजिम है बाहर से चाहे एसडीएम हो चाहे कोई मैं नाम नहीं लेना चाहता सारे अधिकारी चौराहे से लेके आने नहीं चाहिए सारे लोगों को रोक रखा है मीडिया के साथ इसके गवाह हैं लेकिन कहना चाहता हूं अब वह दिन दूर नहीं है आने वाले दिन में बहुत कुछ होने वाला है
मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूँ, ये जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं ये कोई आम लोग नहीं है, सारे लोग अपने अपने इलाके अपने जिले के मालिक हैं, जिनके पीछे लाखों की कतार खड़ी हो जाती है उनके नुमाइंदे हमारे बीच में हैं, सामने हैं, लोग बैठे हैं, सारे जिले के जिला पंचायत प्रधान प्रमुख सब लोग घूम रहे हैं और सारे लोगों ने मन बनाया है। और मुझे तो पहली बार लगा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो तूफान चल रहा है कल सुनामी की तरह आगे बढ़ेगा, दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली नहीं है निश्चित रूप से। इसीलिए मैंने कहा भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव का संबोधन मैंने इसलिए कहा, इन्हीं सारे पार्टियों के साथ सुना, मैं सभी का स्वागत करते हुए पुनः अपने राष्ट्रीय ध्वज जी का तहे दिल से स्वागत करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।